बैक टू माई चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो आज मैं ले आई हूँ आप सबका पसंदीदा व्लॉग। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपना होम टूर दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना होम टूर दे ही दिया जाए। तो जब मैं घर में एंटर हुई तो मैंने कहा, अरे मैं ये किस घर में आ गई हूँ, ये तो मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर तो इतना साफ सुथरा है ही नहीं, ये मैं किस इतने साफ सुथरे घर में आ गई हूँ। तो फिर बाद में जब मैंने देखा अपनी इस बलूंगड़ी अम्मा को और इस अपनी बलूंगड़ी बहन को, अम्मी व्हाट इज मेंट बाय बलूंगड़ी कह दिया, मुझे पता नहीं, ये लोग कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे आप अपनी अम्मी को बलूंगड़ी कह रही हैं, हाँ आप तो जहन्नुम में जाएंगी, आई एम सो सॉरी। खैर, तो जब मैं अपने घर में एंटर हुई मैंने कहा ये इतना साफ सुथरा घर किसका है भाई, मेरा इतना साफ सुथरा घर नहीं है। फिर मैंने अपनी अम्मी और अपनी बहन को देखा, मैंने कहा नहीं निमरा, यही है तेरा घर। तो जब मैंने इतना साफ सुथरा घर देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक होम टूर दे दिया जाए। समझा नहीं, मतलब आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ अपना होम टूर। मेरा घर बहुत छोटा सा है। ये हम लोग बेसिकली रेंट आउट रहते हैं, तो मुझे लोगों ने कहा था कि आप अपना यही वाला घर दिखाएं, तो अब हम यही वाला घर दिखाएंगे। फिर अपना दूसरा घर जो है मैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं अपने घर का टूर। आज मेरे घर की इतनी शानदार सफाई की है क्योंकि मेरी इस बहन को छुट्टी थी जो कि तैयार होने में बहुत शदीद मसरूफ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक होम टूर दे दिया जाए। तो शुरू करते हैं हम अपने घर के बाहर के दरवाजे से चलते हैं, और आप लोगों को अपना घर दिखाते हैं। तो ये है मेरे घर का दरवाजा। मैंने सोचा कि दरवाजे से शुरू करते हैं ताकि आपको प्रॉपर घर नजर आए। ये एक बड़ा गेट है, ठीक है, ये बड़ा गेट जो है वो मालिक मकानों का है, मतलब हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ, उनका है। और ये हमारे घर का अलग से सेपरेट दरवाजा ऊपर जाने के लिए। मैं भी मेरी बहन वीडियोग्राफी करी है, पूरा ऐसे करके दिखाओ, नीचे करो जरा, छत पे चढ़ा दे मेरा मोबाइल। ये नीचे वालों का पोर्शन है, ठीक है, इधर आए, ये नीचे वालों का पोर्शन है, ठीक है, फजल भाइयों का नाम। हम आपको उनका पोर्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम उनके पोर्शन में नहीं रहते, हम अपना पोर्शन दिखाएंगे क्योंकि हम अपने पोर्शन में रहते हैं। तो उस छोटे गेट से जाते हैं क्योंकि वो हमारे पोर्शन का दरवाजा है। बंद कैसे करना है इसको, वो कर देते हैं, खुला भी रहेगा तो कोई मसला नहीं, हमारे मोहल्ले में चोर चकारी नहीं होती। ये ऐसे करके दरवाजा खुलता है, ये देखें, वो जो एक दरवाजा होता है ना जिसके जैसे आवाज आती है, ऐसा दरवाजा नहीं, हमारा दरवाजे से आवाज नहीं आती, घर का ब्लॉक दे रही। और ये है मेरे घर की सीढ़ियाँ। मेरे घर की सीढ़ियाँ कभी भी इतनी साफ सुथरी नहीं हुई। आज इतनी साफ सुथरी थी तो हम आपको पूरी सीढ़ियाँ दिखाएंगे। आ जाए मैं भी, आपने मेरे साथ साथ चलना, चौथे मल्ले नहीं पहुंचना। सब्र कर जो बहन, किधर मेरे मुंह के अंदर घुसा दो। ये कौन दिखाएगा बैग, उधर जाओ। लोग रखते हैं यहाँ पे कारपेट ताकि लोग जो है वो पाँव साफ करके उनके आगे आने के नाम रखते हैं, उनके मुंह के आगे ये गत्ते, जो जब हम कोई चीज खरीदते हैं या कुछ भी लेकर आते हैं तो चीज इस्तेमाल करते हैं उसके गत्ते गुत्ते बच जाते हैं, तो ये की होल्डर है इसके साथ लटका देते हैं। ये गुड़िया बहुत पुरानी है, हम इस गुड़िया की जान छोड़ते नहीं, हमने इसको चक्की की तरह संभाला। आए आगे चलते हैं, उस छोटे से गेट से सीढ़ियां चढ़ चढ़ के हम आएंगे, और ये इतना सा दरवाजा है, अगर आपके पप्पो जैसा कोई बंदा आ जाए, मेरी पप्पो मोटी होती थी तो अगर पप्पो वैसे ही अक्सर मोटी होती हैं तो पप्पो ऐसे से करके गुजरेगी, उनसे तो गुजरा ही नहीं जाएगा। पहले यहाँ पे एक दरवाजा होता था कि हमने उसको छूट दिया, अब हम लोग आसानी से यहाँ से आते जाते हैं। एंटर आए मैं भी वीडियोग्राफर। ये हमारे घर की खिड़की है, ये शीशे की खिड़की है, ये जब अंदर की लाइट जलती हो तो बाहर का नजारा नजर आता है, बाहर की लाइट जलती हो तो अंदर का नजारा नजर आता है, ठीक है। आप अंदर आए, जब आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे, अम्मी तेरे बिन बस जियो ही लेके बैठ गया हमारे घर में। सबसे पहले आपने उतारना है जूता क्योंकि हमारे घर पे है कारपेट, उसके ऊपर भी है कारपेट, पैर का इतने हसीन पैर नहीं जा रही हो, ठीक है। वहां से जब आप एंटर होंगे तो होगा दरवाजा, क्यों तो ये है मेरे घर का दरवाजा। कभी कभी इसको दौरा पड़ जाता होता है तो हम इसको खुला ही रखते हैं ताकि ना हो। मेरे अंदर एक माहिरा खान बैठी हुई है, माहिरा खान से कहेंगे कि माहिरा खान सेट हो गई, चलिए माहिरा खान सेट हो चुकी है, आइए चलते हैं अंदर। इकलौता कमरा, हम लोग एक बहुत ही टिपिकल फैमिली है, वो नहीं होता जहाँ पे एक एसी लग जाए तो सारा टब्बर वहीं पे आके सो जाता है बिस्तर डाल के। हमारे पास कमरा ये क्या, उसी कमरे में एसी लगा हुआ है, हम उसी कमरे में सोते हैं, रोते हैं, मरते हैं, जीते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। खैर अंदर आए बाप, ये है माहिरा खान, इनसे मिले इनका इतना प्यार, इनको हम माहिरा खान इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्रामे बहुत अच्छे करती है, ये डायरेक्टर भी बन सकती थी लेकिन इनको हमने एक्टर बनाया। ये जो है ये हमारे घर की अम्माएं जो है वो अक्सर ना वो होती हैं
एक्टर होती है। मेरी अम्मी तो माहिरा खान है, मेरी खाला वगैरह तो दीपिका पादुकोण को भी पीछे छोड़ गई है। इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं। खैर सेलिना गोमेज़ कोई भी नहीं आते। अच्छा ये है हमारे घर का बेड मैविश, एक तो बिल्कुल नकारा कैमरा मैन मैंने रखे जो ठीक से दिखाया नहीं ना मेरे घर को। ये हमारे घर का इकलौता बेड है जिसके ऊपर मैं तैयब और महविश सोते हैं, ठीक है। और ये हमारे घर की है पिक्चर वॉल। हमारे घर में मुझे पीआर में कोई भी फ्रेम आता है ना तो हम उसको चिपका डालते हैं यहाँ पे, अक्सर तो हम लोग संभाल लेते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अब जब कोई आता है हमें लगता है कि भाई इसको तो रखने की जगह नहीं है, फिर हम कहते हैं कि ये दीवारें किस काम आएंगी, तो हम उसको कील ठोक ठाक के इसको भी ठोक देते हैं, ठीक है। अब ये तस्वीरें हैं, कुछ शादियों की सारी तस्वीरें हैं, उस इन्ने पोने की तस्वीर नहीं थी, तो सफाई के वक्त महविश ने कहा मेरे भाई की तो तस्वीर ही नहीं है दीवार पे, उसने उसको चिपका दिया। खैर ये हम लोगों का बेड था, ठीक है। बेड से इधर आए ना तो एक पतली सी गली है, ओ मजक गली मजक, बार बार मेरे पैर दिखाई जा रही है, इतने प्यारे नहीं है, नहीं आए। हाँ अच्छा ये है, और आप लोगों को ये सेफ हमारी देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये अब मेरे मामा कह रही ना दिखाओ ना दिखाओ, दिखाऊंगी सब करतूते दिखाऊंगी, मामा कह रही लकड़ी की दिखाओ लोहे वाली ना दिखाओ, क्यों ना दिखाओ, ये देखें सबके घर ऐसी सेफ अलमारी होती है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के घर, अगर किसी के घर ऐसी सेफ अलमारी नहीं है तो लाहौर के रहने वाले नहीं है, लाहौर के रहो। तो ये देखें अभी आप जादू देखेंगे, खोल के ना खोलू, बोलो अम्मी जी खोलो 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 के ना खोलो 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 के ना खोलो खोलो खोलो, ये देखें 1 2 3। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बेसिकली ये मैंने जुगाड़ लगाया, इसको हैंगर से हम लोग अटका देते हैं। ये मेरी पता नहीं इतनी पुरानी है, याद नहीं होती जो मेरे अब्बू के जमाने की है, तो मेरे अब्बू कहते हैं कि इसको बेचना ही नहीं, हम लोगों ने निशानी के तौर पर इसको संभाल के रखा हुआ है। इस वाले कैबिन में मामा के कपड़े हैं, इस वाले कैबिन में ना मामा और तैयब दोनों के कपड़े हैं जो हैंगर पहनने वाले होते हैं, और नीचे जो है वो तैयब के घर पे पहनने वाले कपड़े काम पे पहनने वाले कपड़े हैं। ये सेफ अलमारी बेसिकली मेरी मामा की है, बस मेरी मामा की यही सेफ अलमारी है, उसके अलावा मेरे मामा के पास कपड़े नहीं है। गरीब इंसान है हम लोगों का धूप में पकाना इसको छांव पे करते हैं। अच्छा जी खैर थोड़ा सा इधर आए तो इधर आता है मेरा छोटा सा, अम्मी जिस तरह मेकअप करते हैं उसका क्या कहते हैं, तानिया ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग। अच्छा जी ये शीशा है, ये मुझे कायना ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था, हमारे निन्नू सा शीशा हुआ करता था, पहले बड़ा शीशा होता था, दो दो होते थे हमारे घर में, डबल डबल पर नीचे होता था, जैसे जैसे हम लोग घर छोटा करते थे हम लोगों ने फिर नीचे भी कम कर दिया, तो सब कुछ बेच बाच लिया, जो बच कुछ गया वो यही है। मामा आप शीशे में नजर आ रही हो, इतने सेक्सी पोज मार के लेटने की जरूरत नहीं है। खैर अच्छा ये जो है ये हमारे घर का शीशा, और ये बल्ब जो है वो मुझे पीआर में आए थे, इसको कहते हैं वैनिटी लाइट्स, लेकिन निमरा की दुकान निमरा की जुबान में इसको कहते हैं निन्ने पोने बल्ब, निन्ने निन्ने बल्ब थे, मैंने इनको इस्तेमाल किया। ये थूक से चिपकते हैं, इनको मैं चिंगम से चिपका लूं, इनको मैं गूम से चिपका लूं, लेकिन आखिरकार इनको मजा सिर्फ मेरे थूक से ही आता है, और ये मेरे थूक से ही चिपकते हैं पता नहीं क्यों। खैर ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, और इसके ऊपर मेरे लोशन क्लींजर मॉइस्चराइजर फ्लां ढिमका स्क्रब नेल पॉलिशें परफ्यूम की दुकान, इतने मुझे बहुत शौक है परफ्यूम्स का ना, तो मेरे पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ परफ्यूम है, अभी यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्यों दिखाया फजल भाई भी ना। अच्छा तो ये बेड हो गया, इस टेबल हमारी होगी, ड्रेसिंग टेबल होगी, और इधर आए इसको कहते हैं कपड़े, अम्मी क्या कहते हैं इसको, इस्त्री स्टैंड, बस इस्त्री स्टैंड दिखा दो मैं निकल जाती हूँ फ्रेम से बाहर। ये है इस्त्री स्टैंड, बेसिकली इसको यहाँ पे रखने का मकसद यही है कि कपड़े इस्त्री करने होते हैं, पूरे 50 रुपए देते हैं इस महंगाई के दौर में महविश को, कि महविश हमारे कपड़े प्रेस कर दो, रात को कहती है निमरा कपड़े निकाल दिए चलो फिर मेरे पैसे भी निकाल दो। ये सूट जो मैंने पहना है, मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ अभी, तो ये सूट को इस्त्री करने का पूरा 50 रुपए दिया है, और दुपट्टा इस्त्री नहीं हुआ अभी, इस ट्राउजर और इस कमीज को मतलब 25 रुपए की शलवार इस्त्री कराओ और 25 रुपए का वो, तो हमारे घर में ही महविश लॉन्ड्री ओपन है, आप जब चाहे जहाँ से आए और महविश से कपड़े इस्त्री कराएं सिर्फ 50 रुपए। इस्त्री स्टैंड है, और इस्त्री स्टैंड के ऊपर ये एलईडी लगाई है, बेसिकली एलईडी लगनी तो वहां चाहिए थी, लेकिन उसको यहाँ लगाने का मकसद ये है कि एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो यहाँ पर ही लगा हुआ था, तो ये एलसीडी मैंने अपनी मामा को उनकी बर्थडे पर गिफ्ट की थी, क्योंकि मैं एक अमीर लड़की हूँ, नहीं मैं एक बहुत गरीब हूँ, हमारा धूप में मकान है। खैर अच्छा ये सेफ अलमारी के ऊपर जो कबाड़ा है वो तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, वो भी इस बेड, मेरे मामा कहीं ना था की करनी ना था, लेकिन निमरा था सब दिखाएगी, क्योंकि सब ने कहा था कि प्लीज प्लीज आप हमें अपना होम टूर दे दें, प्लीज आप हमें अपना होम टूर दे दें, हेलो फड़ो। अच्छा ये हमारे घर की सेफ, ऐसा तो होता ही नहीं कि सेफ हमारे ऊपर किसी ने कुछ ना रखा हो, खैर हमारे घर में तो होता है, टिपिकल फैमिलीज में होता है। ये गंदला है, ये इतना पुराना टीवी है मेरे अब्बू के जमाने का, मेरी अम्मी ने उसको संभाल के रखा है, तुहे प्यो की खलौती निशानी है, तुहे प्यो की खलौती निशानी, तो ये खलौती निशानी मुझे लगता है मेरी कमर तक साथ चलेगी,
और ऊपर एसी लगा हुआ है, ठीक है। एसी भी हमने अपनी मामा को बर्थडे भी गिफ्ट ही किया था। हम लोग अपने मामा को ना घर का सामान देते हैं ताकि बर्थडे का गिफ्ट भी हो जाए और साथ ही साथ घर की चीज भी बन जाए। खैर नीचे उतरते हैं। अच्छा ये इसी से ऊपर से देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा। अब आए नीचे बैठते हैं। मेरी मामा कह रही है फिटे मुंह बेड़ा तर जे तेरा की ध्यान नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये इसी स्टैंड नहीं है, ये तो हमारे जूता वाला स्टैंड है। यहाँ पर ना मैंने अपना कुछ सामान रखा हुआ है। ये सारे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, उसमें भी मेरी ज्वेलरी है, ये भी कुछ ज्वेलरी है और ये कुछ जूतों के डब्बे हैं। ये बैग है, बहुत खरारा है, मतलब जगह कम है और जो सामान है वो बहुत ज्यादा है। अब ये तो एक सेफ अलमारी मैंने आपको वो दिखाई, एक सेफ अलमारी में आपको अपनी जो सेफ अलमारी वो दिखाती हूँ। ये है सेफ अलमारी, ठीक है, खोल के दिखाती हूँ। इतने अच्छे कपड़े कभी भी हमारे घर में सेट नहीं हुए जितने इस वक्त हमने करके रखे हुए ताकि निम्रा का ब्लॉग अच्छा मिले। ये मैंने सेट नहीं किए, ये पहले की सेट है। और बाय द वे आपको छुट्टी थी इसलिए आपने सेफ हमारी सेट की, धन्यवाद धन्यवाद गोपी बहू। खैर ये हमारी सेफ हमारी, इसमें मेरे नहीं अभी नहीं, अच्छा इसमें मेरे रैविश के कपड़े हैं, हम लोगों के कपड़े हैं। ऊपर मतलब यूनिवर्सिटी मुझे जाना होता है, रैविश को ऑफिस जाना होता है तो ऊपर वो वाले कपड़े हैं। ये वाओ, ये देखिए आप लोगों के घर में जो सेफ अलमारी होंगी वो ऐसे खुलती होंगी, लेकिन हमारे घर की जो सेफ अलमारी वो कैसे खुलती है। क्या इसको पता हम लोग बचपन में क्या करते थे, ये सेफ अलमारी ऐसे होती थी ना, मैं और तैयब इसके ऊपर बैठ के ऐसे पी पा मतलब झूले लिया करते थे। तो वो टूट गई तो इसको ठीक करवाने की, हम लोग जब भी वो मेरा कजन है एक लकड़ी का काम करता है उसको बुलाते हैं, कहते हैं पुप्फो आवांगा आता फिर नहीं है। इजाज उनका नाम है, अगर इजाज भाई आप देख रहे हैं तो यही सवाल देखे, मैं तो निमरा मैं तो बोलूंगी। खैर इसमें जो थे वो घर पे पहनने वाले कपड़े हैं, नाइट सूट। अभी मैं इसकी हालत दिखाती हूँ। मैं भी जो है वो यहाँ से निकाल के ना कामली आंटी बनी होती है कमरे निकाल के, और इस वाले में जूते हैं, बहुत जूते हैं और मुझे जूते बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं खुद भी खरीदती रहती हूँ और पीआर में भी आ जाते हैं तो बेशुमार जूते हैं मेरे पास ना। 200-300 से ज्यादा जूतों के पेयर हैं ना अम्मी, और हम लोग हर महीने छांटी करते हैं कपड़े जूते, तो जो भी मतलब अम्मी ने जिसको जिसको देने होते हैं अम्मी उसको दे देती हैं। अब आप देख रहे हैं वाह ये पर्दा कितना अच्छा सेट हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। ऊपर से सफाई की हुई है, अंदर से क्यों नहीं की हुई सफाई। अच्छा ये बेसिकली कोई राज रूज नहीं है, ये पर्दा तो हम लोगों ने वैसे लगाया हुआ है, ये एक तकिया और एक गद्दा है। गद्दे की सिलाइयों को इग्नोर करें, वापस पर्दा डाल देते हैं। इस गद्दे को निकाल के मेरी अम्मी यहाँ पे लेट जाती हैं क्योंकि मेरी मामा बेड पर नहीं सोती क्योंकि उनके कंधों का कोई मसला है, बताया ना माहिरा खान है मेरे मामा। खैर फिर उसके साथ आ जाता है ये टीवी ट्रॉली, ये बेसिकली तो टीवी ट्रॉली है लेकिन टीवी तो हमारे घर पे है नहीं, तो हम लोगों ने सोची टीवी नुमा जो माइक्रोवेव है इसका कब इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये माइक्रोवेव है, ठीक है, इसके अंदर खाना गर्म करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये माइक्रोवेव है और इसको भी इधर रखने का ये मकसद है कि इधर भी एक एक्सटेंशन बोर्ड है तो कभी भी आपको यूज करना नहीं हो सकता है। और ये पासपोर्ट ग्रास है जो कि मुझे पीआर में रिसीव हुई थी और 300 रुपए का मैंने ये खरीदा और उसके अंदर हमने ये डाला। तो ये था हम लोगों का कमरा। लोग मुझे कहते हैं निम्रा बहुत अमीर है, निम्रा का DHA में घर है, निम्रा के पास गाड़ी है, निम्रा 500,000 रुपए कमाती है। अगर मैं 500,000 रुपए कमाती हूँ तो वो जाते ही देना शायद मेरे बैंक से कहीं फरार हो जाते हैं। अरे भाई मैं नहीं कमाती 500,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है मैं जितना भी कमाती हूँ मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन जैसे लोगों ने सिनेरियोस क्रिएट किए हैं कि निम्रा इतनी अमीर है उनके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल हो। ताकि मेरा DHA में 1-10 घर हूँ और मेरे पास 1-2-3 6 गाड़ियां हों जिसके साथ मैं खड़ी होकर सेल्फी लूं। और वो जो एक है नी एक लड़की की मीम आई थी कि I have this car but I don't know how to drive, वो कहते why because I love to click picture with them, कि मुझे गाड़ियों के साथ पिक्चर लेना अच्छा लगता है तो मेरे पास इसलिए गाड़ियां, अदरवाइज मुझे गाड़ियां चलानी नहीं आती। एक ही डेट में मैंने सारा वो ब्लॉग कर दिया, तो इसको कट करते हैं और बाहर का आपको बाहर जाके दिखाते हैं। आए तो मेरे कमरे का तो रूम, हमारे कमरे का तो मैंने रूम टूर आपको दे दिया। अब बाहर जब कमरे से बाहर आए ना तो ये थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर हम लोगों ने मेहमानों के लिए जगह बनाई है। यहाँ पर एक सोफा, ये सोफा भी मेरे अब्बू के जमाने का, हम लोग सोच रहे हैं कि सोफा नहीं लेंगे लेकिन मेरी मामा कहती है नहीं ये बहुत पुराना, मेरे दादों के दादों को भी जहेज में मिला था तो मेरे पापा के पास ही रहा, तो पापा ने भी नहीं उसको कहीं बेचा बाचा, तो मेरे मामा भी कहते हैं कि नहीं बेचना। और ये छोटा सा शीशा है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सामान रखा हुआ, जब मैं नहा कर आती हूँ तो कंघी शंघी करने वाला सीन क्योंकि अंदर हम लोग कंघी नहीं कर सकते, बाल बिखर जाते हैं। नीचे जूतियाँ मतलब फॉरन से पहनी है, मैं विष्णु ऑफिस पहनने के लिए मेरे, और इधर एक 200 से पड़े हैं थोड़ा पीछे जाए। और मैं अक्सर अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ यहाँ पे खड़े होकर क्योंकि यहाँ से डे लाइट बहुत अच्छी आती है। ये हमारे घर की फ्रिज है, मेरी हर टिकटॉक वीडियो के पीछे इसका आना बहुत जरूरी है। ये सोफे के साथ ही ना ये पहले हम लोगों ने मुर्गियां रखी हुई थी छत पर,
लेकिन उन्होंने जब बच्चे दिए उसके नीचे हमने रखे थे कोई 35 अंडे, लेकिन उससे निकाले बस दो बच्चे हैं। दिखाओ चूचे, बेवफा हो रहा था वो ना। अच्छा इसके अंदर जो है दो चूचे हैं, ठीक है, एक का नाम है इना, एक का नाम है मीना और एक माँ का नाम है डीका। तो ये इना मीना डीका है, वो इना है, वो मीना और ये डीका है। डीका बहुत ही बदतमीज है, उसका वजन बहुत ज्यादा है। सुनाओ सबको सुनाई है। ये है मेरे घर का किचन, वो था रूम, फिर उसके बाद सोफे, और बिल्कुल उसी के पास जो है वो छोटा सा किचन है जहाँ पर मामा ने सेटिंग करके उसको किसी ना किसी तरीके से बनाया हुआ है। बहुत सारे बर्तन है हमारे पास, वो मेरे मामा ने सारे गैलरी में रखे हैं, चार पांच गैलरी हैं हमारे घर में, और उन सब में हमारे कपड़े 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 और पेटियां पेटियां और बर्तन वगैरह सब कुछ, मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें ना वो सारी मेरी मामा ने गैलरी में बनाई। तो ये हमारा किचन है, मैं इस मोहल्ले को छोड़ती नहीं हूँ, हालांकि हम लोगों को अपना घर बन गया, बनने वाला है, तो मेरे मामा कहते हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं वहाँ पे शिफ्ट नहीं होना। पूछे क्यों? मेरी मामा ने यहाँ पे हड्डिया बना रही थी ना, तो उस खिड़की से ना अब्दुल्ला की मामा ने ऐसे कच्ची कुम्भ की तरह ना मुँह निकाल के, बाजी बड़ी मजे की खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? मम्मी कहती है दाल। अच्छा अब्दुल्ला को भेज दी एक कटोरी में दाल तो भेज दो, मतलब इस तरह का मोहल्ला मुझे अच्छा लगता है। फिर इधर ये सिंक है हम लोगों का, इधर ना मैं मुँह धो रही थी, मैं तीन बार मुँह धोती हूँ, तीन बार, तो तीनों बार मुझे देखती रहेंगी, एक बार जब मैं धोंगी नहीं बोलेंगी, दूसरी बार जब मैं धोंगी मुझे नहीं बोलेंगी, तीसरी बार जब मैं मुंह धोंगी ना तो कहेंगी बस कर दे निमरा कितना चमकाएगी अपना बूथा, नहीं मेरा बूथा मैं चमकाऊं या ना चमकाऊं, लेकिन उन्होंने बोला। और मतलब हमारा मोहल्ला मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि नोक झोंक होती रहती है। सामने वाली आंटी जो है वो जब उन्होंने बैंगन बनाया होता है, हमने कीमा बनाया होता है, तो कहती है शमीम भाजी ये अम्मी ने ना बैंगन भेजे हैं, तो ना अम्मी कह रही है बैंगन रख ले और कटोरी में कीमा डाल दें, मतलब हाँ कभी निमरा बाजी स्टेटमेंट दे दे, निमरा बाजी लिपस्टिक दे दे, निमरा बाजी परफ्यूम दे दे, निमरा बाजी मेहंदी लगा दे, निमरा बाजी ने तो निमरा सलोन खोला हुआ ना, बस आ जाते हैं। खैर मुझे ये नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं एक लाइवली पर्सन हूँ, तो मुझे लाइवली पीपल बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारे घर का छोटा सा वॉशरूम है जिसके अंदर एक फ्लश है, एक अदर शार है, और एक अदर करके वो जिसके अंदर से पानी निकलता वो है, बाल्टी है, लोटा है, शैम्पू है। वाह क्या सीन है, साबुन है, जो भी वॉशरूम में पड़ी होती हैं चीजें वो है, और वो हमारे वाईफाई की वो है, नहीं वो आप क्यों दिखाएंगी, वाईफाई का डिवाइस है। अब चलते हैं छत पर, आ जाएं। और ये मेरे घर की गैलरी है जिसके अंदर हमारे फिर से कपड़े हैं, हमारे घर में इतने कपड़े की आपकी सोच है, इतने कपड़े लेकिन पहनने को नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन पहनने को नहीं है। हाँ यही कहना चाहती हूँ, बहुत सारे कपड़े हमारे घर में, खैर और पहनते भी हैं, मुकते नहीं है। ये हमारे घर का यूपीएस है जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन हमने इसको फिर भी संभाल के रखा है क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तो अभी जिंदा है, तो ये पुरानी चीजों को क्यों फेंगे। तो एक वीडियोग्राफर जरा ऊपर, तो अक्सर ही मैं अपनी टिकटॉक वीडियो है ना यहाँ पे खड़े होकर बना रही थी, तो लोग मुझे कहते हैं बीबी घर के जाले तो उतार लो, बीबी जरा घर को पेंट तो करवा लो, इसको जितना मर्जी पेंट करवा लो, इसने फुटक के फिर भी बाहर यहाँ आता है। मैंने आपके कहने पर तीन बार इसको करवाया लेकिन तीन बार भी इसकी शक्ल ऐसी होती है। ये कुछ गमले थे, इसके अंदर एलोवेरा जल था क्योंकि मेरे मुंह पे बहुत पिंपल होते थे, तो हम लोगों ने एलोवेरा लगाया था, लेकिन जब हम लोग इना मीना डिका को लेकर आए तो उसके मामा पापा ने सारे पौधे फूस लिए पेट में, फिर इना मीना डिका पैदा हुई है। यहाँ पर एक वो थी खिड़की जिसके अंदर से फिर कच्छू कुंभे की तरह वो ना मुंह निकाल के आप बातचीत कर सकते थे, लेकिन हमने कच्छू कुंभे वाली खिड़की को बंद कर दिया। खैर छत पर आते हैं, छत मेरा फेवरेट स्पॉट है पता नहीं क्यों, एक तो ये कुल्फी वाला मेरे पीछे पड़ गया, चला जा भाई नहीं ले तेरी कुल्फी, इतनी साफ सुथरी छत तो मैंने कभी नहीं देखी। खैर मुझे लगता है मैं इधर बनाऊंगी तो ज्यादा, इधर से आ रही हूँ मैं, चल अच्छा ही है। तो ये है मेरे घर की छत, मुझे लगता है कि घर जैसा मर्जी हो लेकिन छत आपके पास होनी चाहिए और बहुत ही मजे की छत होनी चाहिए। तो जितनी भी छत है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बेसिकली मुझे छत बहुत 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 ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे तारों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे चांद देखना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे घर पर अलम है तो जब भी मुझे कोई दुआ करनी हो, खसूसी दुआ, मतलब जैसे कभी मैं छत पर आती हूँ उसको ला के दुआ कर रही होती हूँ, वैसे ही ऐसे ही बस मेरा दिल कर रहा होता है। और अक्सर ही मैं छत पर आती हूँ जब बारिश होती है, मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो बारिश में हम लोग वो निक्कर पजामा पहन के आते हैं और नहाने लग जाते हैं। खैर ये मेरे घर की छत है, और छत पर क्या ही रखा हुआ है, इना मीना डिका के मामा पापा जो हैं वो ऊपर रखते हैं इस पिंजरे में। अब मैं ये खोल खाल के नहीं दिखा रही, ये हमारे एसी का वो है इन्वर्टर आउटडोर, वही वही 16 क्लासें पढ़ी नहीं आता तक नहीं है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल यार डीसी इन्वर्टर लिखा हुआ है ये देखो बेटा, लिखा है ठीक है आप पढ़ी लिखी है, मैंने लाइक मानी हूँ, मैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है।
और ये हमारे एलसीडी का डब्बा, इसको भी अम्मी नहीं फेंकेंगी, चाहे जितना मर्जी साल गाड़ के इधर ही खत्म हो जाए, इसको नहीं अम्मी फेंकेंगी। वो तैयार के कुछ औजार है, ये टेबल्स हमारे पास होती थी, अगेन वही पुरानी चीजें हैं, इसको संभाल के रखना हमारा फर्ज है, हमने संभाल के किए हैं। इसको कहते हैं कोड़ा पोड़ी, इसको कहते हैं सीढ़ी, लेकिन मेरे अब्बू इसको कहते थे कोड़ा पोड़ी, तो मुझे ये याद है कोड़ा पोड़ी। ये मेरी अम्मी के जहेज की चारपाई है, फिर अगेन हम लोग नहीं बचेंगे इसको। मेरी मामा ने कपड़े धोकर डाले, मैं उधर जाऊँ, उधर 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 उधर। तो ये ऐसी है कुछ मेरे घर की छत, सिंपल प्लेन सी सादी सी है, ठीक है। इधर आओ, घूमो, नाचो, गाओ, कोई भी आपको कुछ नहीं। और ये जो है, ये हमारे घर की वो है वॉशिंग मशीन, जिसमें स्पिनर भी है, वो भी है। ये हमारा है पेडेस्ट्रियन फैन, और ऊपर कपड़े धोने के लिए एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे आकर आप कपड़े धो सकते हैं। और ये माशाल्लाह से अलम है, अलम दिखाई नहीं, हाँ, और ये अलम है। और ये मेरे मतलब वो नहीं होती जहाँ पर जब लड़ाई नहीं हो रही होती घर पे, उधर जा मैं उधर, जब मोहल्ले में कभी भी कोई लड़ाई हो रही हो ना, तो मैं फटाफट इधर आ जाती हूँ ऐसे करके, और ऐसे करके देखती हूँ। इतनी मस्त लड़ाई नजर आती है हमारे मोहल्ले में, कभी कोई कुर्बानी हो तो वहाँ पर होती है, तो यहाँ से वो भी नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी जगह है। खैर, ये था मेरा घर, छोटा सा घर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये इस वाले घर में हम रेंट पे रहते हैं। मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा इस मोहल्ले में हमें 10 साल हो गए ना, 10-15 साल हो गए हैं हम लोगों को इस मोहल्ले में रहते हैं, और इस घर में रहते हुए हम लोगों को कुछ 6-7 साल हो गए हैं। तो हमारा इस घर को छोड़ने का दिल नहीं करता, उधर उधर इधर बहुत धूप है। ये चार पाइयाँ कभी कभी ऊपर बैठने का दिल कर जाए, मेरी मामी आ जाती हैं, उनको हाय साढ़ा तो दाम कूट रहे हैं नीचे, तो हम उनके लिए चार पाइयाँ ऊपर भी जा देते हैं। आहो बाजी खून से ये तो ये हमारा घर था, छोटा सा एक कमरा है जिसमें हम लोग रहते हैं, 4 लोग हैं हम। 1-1.5 साल तक जो वीडियोग्राफर है मैविश, उसकी शादी हो जाएगी, फिर मैं और मेरी मामा और तैयब रह जाएंगे। तो क्योंकि हम लोगों का ऑफिस, मेरी यूनिवर्सिटी, तैयब का काम, सब कुछ इस घर से करीब है, तो हम लोग इसको छोड़ते नहीं है। और बहुत अच्छा मोहल्ला है, बहुत हम लोग टाइम से रह रहे हैं, तो हमारा दिल ही नहीं करता छोड़ने का। तो जो घर हम लोग बना रहे हैं, इंशाल्लाह जब वो बन जाएगा, मैं उसका भी आपको होम टूर दूंगी, बल्कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आपने उसका होम टूर देखना है या अंडर कंस्ट्रक्शन होम टूर देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब नीचे चलते हैं और इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो ये था मेरा घर, वह कमरा, आगे ये किचन, वॉशरूम, दरवाजा और छत, और ढेर सारी गैलरियां और ढेर सारा खिलाड़। हम लोगों को रहते हुए इतना टाइम हो गया, हम लोगों को सफाई करने का मौका ही नहीं मिलता। मेरी मामा जितनी सफाई करते हैं, हम दोबारा खिलाना डालते रहते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा घर, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। मैं यूनिवर्सिटी से आई थी, मैंने घर देखा, बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैं काफी दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूं, तो प्लीज मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अम्मी जी बंद कर दो, मायरा खान सज्जन आ जा, सज्जन गाना गा के बैठे, जैसे सज्जन आ ही जाना। तो खैर, मुझे दें इजाजत, इस तरह के मजीद ब्लॉग के साथ आपकी मेजबान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह।